गाइस, दिस इज आस्था पाटीदार एंड वेलकम टू आईटी एजुकेशन। आज का अपना टॉपिक है साइंस का, क्लास 10 का जो फिजिक्स का चैप्टर है, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे चार्ज होती है, उसके बॉडी कैसे चार्ज होती है, उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अपन। तो पहले अपन उसका बेसिक देख लेते हैं, उसके नोट्स जो मैंने प्रिपेयर करा है स्पेशली आपके लिए वो देखते हैं। इसके नोट्स में आप जैसे मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी वैसे आप लिखते जाना, एक कॉपी और पेन ले लेना जिससे आप नोट्स लिख सके। नोट्स मेरे जो है वो बहुत इजी है और अंडरस्टैंडिंग है, तो आप जैसे भी उसको पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। तो अपन सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है वो क्या है, उसका नाम ही जो है वो क्या है। इट इज इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू कॉन्फिगरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब एक क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी अपन सबको पता है, तो एक एनर्जी का फॉर्म है ड्यू टू कॉन्फिगरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पता चल गया। उसके फिर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितने टाइप्स की इलेक्ट्रिसिटी होती है, टू टाइप्स की, कितनी, टू टाइप्स की, क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ड्यू टू रेस्ट ऑफ चार्ज, मतलब जो चार्ज है वो होते ना, एक एटम है उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन जो होता है वो नो चार्ज, न्यूट्रल होता है वो। ठीक है, अपन ने पढ़ा है केमिस्ट्री में। तो क्या है कि ड्यू टू रेस्ट ऑफ चार्ज, मतलब वो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो नहीं हो रहे बॉडी में, फ्लो नहीं हो रहे, वो रेस्ट पोजिशन में, तो क्या होगा, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो भी फ्लो होना स्टार्ट होगा, बट वो रेस्ट पोजिशन में तो भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो ही नहीं रही, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज, मींस जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो हो रहे हैं, मोशन हो रहा है उनका, तो चार्ज क्या हो रहा है, वो भी मूव कर रहा है। तो वो क्या होता है कि जो चार्ज होता है उसका मोशन जो होता है वो क्या होता है, कहलाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आता है अपना आता है इलेक्ट्रिक चार्ज और सिंपल चार्ज। अपन ने देख लिया इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पर अब इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब जो चार्ज है अपना, इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म है एनर्जी की, पर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, और सिंपल चार्ज वो कहलाता क्या है, मतलब वो क्या होता है, क्या है चार्ज। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एसोसिएटेड विथ मास ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या है चार्ज की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, क्या है कि मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, जो कि एसोसिएट होती है मास से, मास एसोसिएटेड विथ मास ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस, मतलब वो प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपीरियंस भी करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, मीन्स इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स दोनों होते हैं उसमें, दोनों एक्सपीरियंस होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं, मतलब फोर्स दोनों, कौन सा फोर्स लगते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स लगते हैं, इफेक्ट बोलो या फिर फोर्स बोलो बात एक है। ठीक है, इसमें उसके बाद फिर चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसकी SI यूनिट होती है कूलोम। क्या होती है इसकी SI यूनिट, कूलोम। अब अपन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कितने टाइप्स के इलेक्ट्रिक चार्ज, तो क्या है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलोम, ये जो सी है ना ये कूलोम करता है, मतलब डेडिकेटेड टू सी, जो कूलोम है वो किसको करता है, सी को करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हो गया -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलोम, प्रोटॉन हो गया पॉजिटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव में होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में, इसलिए नेगेटिव है -1.6 है, और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका चार्ज पॉजिटिव होता है, तो इसकी जो है ना चार्ज है इसका क्या रहेगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलोम, और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, जीरो, उसका तो कोई चार्ज ही नहीं है। उसके बाद अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये है अपना एटम। ठीक है, ये है अपने एटम्स, तो इसके अंदर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है वो क्या कहलाएगा, बाउंड इलेक्ट्रॉन, और जो इसके आसपास जो फ्री घूम रहे मतलब ऐसे ही है वो कहलाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ द एटम, ये अपना एटम है इसके बाहर है, पर जो बॉडी है उसके अंदर है, ये बॉडी है इसके अंदर एटम्स है, एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, और एटम के बाहर और बॉडी के अंदर प्रेजेंट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स के अराउंड घूमेंगे वो कहलाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लिखा हुआ मैंने आउट ऑफ
एटम बट विद इन बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर है पर एटम के बाहर है। ये एटम का एक और स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ये एटम है, इसमें क्या रहता है, एटम के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूमता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, नो चार्ज। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज दे रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूम रहे हैं, ये आसपास घूम रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, बाउंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूम रहा है ये अंदर आ रहा है, सी एरो बना रखा है मैंने, अंदर आएगा तो वो बाउंड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, एटम्स के अंदर आएगा जो इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर रहता है वो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, तो वो अंदर आएगा तो बाउंड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, पर अभी घूम रहा है तो अभी जैसे कि इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर है वो, तो वो कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लाइक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मान लो, तो ये कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्यों, क्योंकि एटम के बाहर है, मतलब फ्री घूम रहा है, बिल्कुल फ्री है, ये सबसे छुटकारा पा के आ गया है। तो अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख लिया, इलेक्ट्रिसिटी देख लिया, उसके टाइप्स देख लिए, चार्ज देख लिया, इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी देख लिया। अब अपन अपना क्वेश्चन है नेक्स्ट कि बॉडी कैसे चार्ज होती है। अब अपना है क्वेश्चन कि हाउ बॉडी गेट चार्ज्ड, मतलब बॉडी कैसे चार्ज होती है, कैसे चार्ज मिलता है उसको। तो क्या है, बॉडी तीन पॉइंट्स है इसमें, देखते हैं, बॉडी गेट्स चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इसमें पूरा गेम इलेक्ट्रॉन्स का ही है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे तो बॉडी चार्ज होगी, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉडी का चार्ज का कनेक्शन है, दोनों के बीच के कनेक्शन है, बॉडी तभी चार्ज होगी जब ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इफ इलेक्ट्रॉन्स गोज आउट ऑफ बॉडी देन बॉडी विल बी पॉजिटिव चार्ज, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये अपनी बॉडी है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स गए तो क्या होगी, बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, कि हाँ यार कि पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल गया था, ऑब्वियसली बॉडी पॉजिटिव ही चार्ज होगी ना। तो फिर क्या होगा, क्यू, क्यू अपन प्रेजेंट करते हैं चार्ज ऑन अ बॉडी, क्यू का मतलब चार्ज ऑन अ बॉडी है, तो क्यू इज इक्वल्स टू पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, कौन, बॉडी चार्ज हो गया, ठीक है। इफ इलेक्ट्रॉन्स कम इन द बॉडी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉडी के अंदर आएंगे, पहले बाहर का देखा, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो बॉडी क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी, क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी, मतलब अगर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आए तो जो बॉडी है वो नेगेटिव चार्ज होगी, क्या होगा उसका, Q इज इक्वल टू नेगेटिव, माइनस है ना, तो नेगेटिव, तो Q क्या है, चार्ज ऑन अ बॉडी, Q का क्या होता है, चार्ज ऑन अ बॉडी, तो बॉडी की चार्ज ऑन अ बॉडी, बॉडी का क्या चार्ज है, नेगेटिव, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अंदर आए हैं बॉडी के, किसके, बॉडी के अंदर, तो वो क्या हो गई, नेगेटिव चार्ज हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं। तो ये तीन समझ आ गए आपको कि बॉडी कैसे चार्ज होती है। इसको अपन और इसके थ्रू समझते हैं, इसके अंदर है 100 इलेक्ट्रॉन्स 100 प्रोटॉन्स, ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन्स 100 प्रोटॉन्स है, और न्यूट्रॉन्स का तो कुछ फायदा ही नहीं है ना, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स 100 प्रोटॉन्स है। इसमें से अगर जैसे अपन ने उसमें देखा, इसमें देखा था ना कि एक बॉडी गोज आउट ऑफ द, मतलब इलेक्ट्रॉन गोज आउट ऑफ द बॉडी, मतलब इलेक्ट्रॉन गया बॉडी के बाहर, तो एक इलेक्ट्रॉन अपन ने बाहर भेज दिया, 100 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर भेज दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 99 इलेक्ट्रॉन्स बचे, कितने 99 इलेक्ट्रॉन्स, तो 100 में से 99 माइनस करेंगे तो कितना, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब जो बाहर गया वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गया। और इसमें क्या अपन ने पढ़ा था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन बॉडी के बाहर गया तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी, सी प्लस सी, ठीक है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगी। इसमें से फिर एक और इलेक्ट्रॉन अपन ने बाहर भेज दिया, 98 इलेक्ट्रॉन्स, 100 में से 98 इलेक्ट्रॉन्स माइनस है तो कितने, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए वो, नहीं बॉडी के बाहर फ्री नहीं बनते, ठीक है ना, हाँ मैंने बताया था, तो बॉडी के बाहर फ्री नहीं बनते वो। उसके बाद फिर है एक और इलेक्ट्रॉन बाहर भेजा, तो ये 97 तो 100 में से 97 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन बॉडी के बाहर चले गए। तो इसके थ्रू आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आया होगा, जो मैंने आपको थियोरेटिकली समझाया उसमें अपन को समझ आता है, ऐसा नहीं कि हाँ नहीं आता, आता है, पर अपन जैसे फिजिक्स को क्या है ना, थोड़े डायग्राम स्ट्रक्चर्स और उनके थ्रू समझते हैं ना, तो और अच्छे से आता है। साइंस का यही प्रॉब्लम है, साइंस क्या है ना, जैसे केमिस्ट्री थोड़ा अपन क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं केमिस्ट्री में, तो अपन को अच्छे से क्लियर हो जाते हैं सारे डाउट। और फिजिक्स में क्या है और बायो में क्या है कि थोड़े डायग्राम के थ्रू, थोड़ा उनको क्या है ना, अच्छे क्रिएटिव वे में समझो ना, तो और अच्छे से समझ आते हैं अपन को।
तो आज का अपना इतना काफी है, क्योंकि मैं आपको ज्यादा और बर्डन नहीं देना चाहती हूँ कि एक दिन में सब पढ़ा दूँ और आपको कुछ समझ नहीं आया। इसलिए आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाद में फिर अपन पार्ट टू में लेके आते हैं, पार्ट बी में लेके आते हैं उसको आगे का। तो उसमें अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज क्या होती है, और साथ में अपन कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। और मैं कुछ स्पेशल नोट, मतलब ये तो अपने नोट्स है, पर जो स्पेशल पॉइंट्स होते हैं ना, वो भी आपको मैं साथ साथ में बताते भी जाऊंगी। और साथ में जैसे ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ, फिर जो प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे तो वो मैं आपको करवाऊंगी, ताकि आपको साथ में समझ भी आ जाए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।